तनुष्य चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जहाँ से वीडियो एंड किया था वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद ना हम लोग नीचे लिफ्ट के पास आ गए। देखिए हम तीनों ने कलर कॉम्बिनेशन करके ड्रेस पहना था। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन करें, लेकिन कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब जिस दिन बैठाए थे गणेश जी, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये हम लोग नीचे उतर के आए हैं। देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है ना। नीचे आए हैं क्लब हाउस में, वहाँ पर भी मतलब अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट वाले सब मिल के हम लोगों ने गणेश जी बैठाया है वहाँ पर। तो वहीं जा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर से बैठाया है ना, अच्छे से डेकोरेशन करके। ये क्लब हाउस है हमारे अपार्टमेंट का। मतलब यहाँ पर कोई भी पार्टी वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, और मतलब उसके कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। तो बस, और कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो यहाँ पर हम लोग करते हैं या फिर खिलाते विलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी को बैठाए हैं और शान्विका आरती दिखा, मतलब आरती देने के बाद जो हम लोग ऐसे सर पे ऐसे लेते हैं ना आरती से, वैसे ही वो अपने पापा को कर रही थी। तो तीनों ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन पहने थे। मेरा और शान्विका का बिल्कुल मैच हो रहा था और हस्बैंड का मैच नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन हो रहा था उनका ड्रेस। तो यहाँ पर एक आंटी आई थी, वो भी पूजा कर रही थी। तो ये देखिए छोटा छोटा वहाँ पर डेकोरेशन, मतलब हाइलाइटिंग डेकोरेशन बोलते हैं ना, हाथ से किया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। आम वगैरह पत्ता लगा के डेकोरेशन किया था। और शान्विका वहाँ पर दूसरे बच्चों लोग को देख के खुश भी हुई, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि मैंने बताया ना कि घर के अंदर ही रहती है, तो जैसे ऐसे ले के आते हैं तो बहुत खुश हो जाती है। तो जो लोग शालिना शान्विका को फॉलो करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं शान्विका लिटिल करके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और शान्विका का एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है शालिना शान्विका करके, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड सारे वीडियोज़ उसमें मैं डालती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर मैं भगवान की आरती गा रही थी, तो हस्बैंड मजाक उड़ा रहे थे मेरा। हरता दुख हरता वाता विघ्नाची नुरवी पुरवी रूपांधयाची सर्वांगी उत्सेरा दुहुआची कंठी मंधिहान रूपांधयाची जय देव जय देव। सुखहरता दुखहरता वाता विघ्नाची नुर्वी पुर्वी रूपा दयाची सर्वांगी उत्से हर। तो क्यों मजाक उड़ा रहे थे मैं बताती हूँ। क्योंकि बोल रहे थे कि अगर सही से नहीं गाओगे ना तो सब्सक्राइबर और जो भी व्यूअर्स है ना वो बहुत ही डांटेंगे या फिर कुछ कुछ उल्टा सीधा कमेंट करके तब समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि देखिए जैसे आता है वैसे गा लेना बेटर लगता है मुझे। तो शाम का आरती वगैरह करके हम लोग आए थे बाहर। बाहर आए हैं, कहाँ हैं, यहाँ पर विजयनगरम में पैडतल्ली करके मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को, और अभी धीरे धीरे मैं भी बहुत मानने लगी हूँ। कि जो भी आप यहाँ पर विश मांगते हैं, और जैसे कुछ भी बच्चों लोगों का तबीयत ख़राब वगैरह इशू आता है, यहाँ कभी भी अगर आप आके माथा टेके और वो हमेशा पूरा होता है ऐसा मानते हैं। लाइक मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, इसलिए थोड़ा बिलीव ज़्यादा है और करती हूँ। और बस आई हूँ मंदिर, और गणेश पूजा के दिन का ही है ये वीडियो। तो शाम में हम लोग आए थे मंदिर, और अंदर अलाउ नहीं था शूटिंग करना, इसलिए मैं नहीं दिखा सकी। लाइक बाहर से मैं टिकट काउंटर तक ही मैंने आपको शो किया है। वो अंदर मंदिर बहुत ही प्यारा है। कभी भी आप लोग विजयनगरम आते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते हैं यहाँ पर, यहाँ के बारे में, तो ये मंदिर ज़रूर आइएगा। तो उस दिन थोड़ी सी भीड़ थी, मतलब वैसे तो लगभग पूजा करते वहाँ पर मंदिर में भीड़ रहता ही है, लेकिन उस दिन थोड़ा भीड़ था। तो दर्शन वगैरह करने के बाद यहाँ बाहर नाश्ता करने आ गए, क्योंकि सुबह से उपवास थे। और ये देखिए यहाँ पर नया रेस्टोरेंट खुला है, देखिए ना हट में बना है, और यहाँ की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल टिफ़िन, मतलब छोटे छोटे चिट्टगार्लू बोल के वो सारी चीज़ें बहुत महंगी लगी मुझे। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे मैं यहाँ आई, तो यहाँ पर थोड़ा डांस प्रोग्राम चल रहा था बच्चों का, और अगर देखिए डांस कर रहे हैं बच्चे लोग।
लोग। और अगर वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो बनते रहे। और उसके बाद ये 5वां दिन का है डायरेक्ट, क्योंकि मैं बीच में शूटिंग नहीं कर पाई, थोड़ा सा फीवर चल रहा था और कोल्ड हो चुका था मुझे होने के बाद, फिर शानविका को भी हो गया था और ऐसे ही फिर उसके बाद हस्बैंड को भी हो गया। तो आज मैं प्रसाद बना के नीचे भेजी हूँ, लाइक मैंने केसर वाला हलवा बनाया था और वही हलवा बना के पहले हस्बैंड और बच्चों को भेज दिया, उसके बाद फिर मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा कोल्ड था इसलिए मैं बाहर आना, मतलब क्योंकि क्या है कि सब पूजा वगैरह सब साथ में ही करते हैं, तो बाहर कोल्ड या फिर ऐसे फीवर वगैरह हो तो किसी बच्चे को ना हो जाए ये डर लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकली और बाहर आ नहीं पाई। और मैंने भगवान की जो मेरी मूर्ति है ना वो नीचे दे दी थी, यहाँ मंदिर यहाँ रख दिए थे बड़े गणेश जी के पास, यहाँ पर नीचे मैंने 3 दिन तक बैठाया था। उसके बाद यहाँ पर ना कुमकुम पूजा चल रही थी लक्ष्मी जी की, मतलब हर रोज़ एक एक नया नया, मतलब कुछ कुछ पूजा किया था, अभिषेक करवाया गया था, रोज़ कुछ ना कुछ करवा रहे थे पूजा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब एक्चुअली मेरे से इतना आइडिया नहीं है ये सारी चीज़ों के बारे में, तो कुछ कुछ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये सारी पूजा के बारे में और स्टोरीज़ मैं उतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ तेलुगू के बारे में, तेलुगू स्टोरीज़ के बारे में, तो यहाँ आने के बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मुझे नॉलेज में आ रही है। तो यहाँ पर सभी औरतें यहाँ पर मतलब उनका येलो साड़ी कुछ पहन के आना था कॉम्बिनेशन, उन्होंने खुद ही प्लान किया था और उसके बाद यहाँ पर पूजा कर रहे हैं वो, और ये बस नेबर्स के साथ थोड़ा चिट चैट हो रहा है। उसके बाद पूजा वगैरह उन लोग कर लेने के बाद यहाँ पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लाइक जिसको जिसको जो जो मतलब जो आरती करना चाहते हैं। उसके बाद हल्दी कुमकुम के सब टीका लगाए जाते हैं सब औरतों में जो भी मतलब मैरिड है, अनमैरिड को भी लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पर वही चल रहा था और उसके बाद प्रसाद वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने में लग गए। तो देखिए कितने सारे गणेश नीचे आ गए हैं ना, सब लोग अपने घर में छोटे छोटे जो भी गणेश बैठाए थे सब लोग ला के नीचे रख दिए, ताकि एक साथ जब मतलब जब हम लोग विसर्जित करें तो सारे सारे गन्नू बाबा जी गणेश जी एक साथ ही विसर्जित हो जाए। तो मैंने भी यहीं ला के रख दिया था। मैं चलिए दिखाती हूँ, मेरा देखिए उस साइड पर रखा हुआ है पीछे, और ये शानविका आके चेक कर रही थी कि ना ये गणेश जी को हम लोग नीचे ला के क्यों रख दिए हैं करके, क्योंकि उस दिन पूरा खाली था और प्रसाद रखने के लिए होता, और अभी सारा गणेश ऐसा रख देने के कारण से वहाँ पर प्लेस भी नहीं था। ओ देखिए मेरे गणेश जी कैसे लग रहे हैं माला डाला हुआ दिख रहा है ना, वही है गणेश जी हमारे घर के गणेश जी। तो सभी लोगों ने मिट्टी का गणेश लिया है और ज़रूरी भी है मिट्टी का गणेश, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन नहीं करना है, पैरी ऑफ प्लास्टर घुलता नहीं है पानी में। तो एक ये नोट हमेशा, अगर इस साल कर लिया अगर नेक्स्ट ईयर से प्लीज़ गलती मत कीजिएगा, हमेशा मिट्टी का ही गणेश जी लाइए। और घर में अगर नहीं हो पा रहा है, बाहर विसर्जन नहीं कर पा रहे, तो आप खुद ही घर में एक टब में पानी भर के उसको विसर्जित करके वो पानी या फिर मिट्टी को आप अपने गमले वगैरह में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100% सब लोगों ने मिट्टी का ही गणेश यूज़ किया है, और देखिए हमारे गणपति बाप्पा कितने मुस्कुरा रहे हैं ना। और बस अभी का देखिए ये वाला चीज़ दिखाऊंगी, और उसके बाद देखिए हम लोगों ने प्रसाद बनाया था ना वही है, और मैं प्रसाद बनाते हुए भी वीडियो करूंगी सोच रही थी, लेकिन क्या हुआ कि ना जब मैं प्रसाद बना रही थी ना शायद 6:30 हो गया था और नीचे पूजा स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हड़बड़ी में मैंने प्रसाद जल्दी जल्दी बना के और हड़बड़ी में हस्बैंड को सबसे पहले भेज दिया था, इसलिए मैं वो वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये देखिए बस गणेश जी से अब ये मेरी आखिरी मुलाकात रही, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं आ पाई। और यहाँ पर बहुत रंगोली वगैरह डाले थे, बहुत ही सुंदर मतलब अभिषेक पूजा भी हुआ था जिसमें मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था मुझे और शानविका को। उसके बाद हवन वगैरह भी हुआ, तो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ हस्बैंड ने लिया था तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से पूजा हुआ था, उसके बाद सब लोग विसर्जन के लिए भी नीचे उतरे थे जिस मैं नहीं उतर पाई थी, तो सिर्फ मेरे पास फ़ोटोज़ हैं तो वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने गणेश पूजा कैसे किया, विसर्जित करते समय बहुत दुख लगता है ना, तो बस मैं जाके नहीं देख पाई, यही थोड़ा मिसिंग हो रहा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा सा बाहर आए थे,
बाहर आने के बाद मुझे तो फीवर था, तो मेरे हस्बैंड कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे और मैं बोली कि ठीक है हमेशा मेरा निकालते हो, आज मैं आपका निकालती हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि सिर्फ मैं ही पीती हूँ, आप नहीं पीते हो, तो बस मैं वही निकाल रही थी उनका वीडियो। और गाइस प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग का साथ ही चाहिए, ग्रोथ आएगा। ये देखिए मुस्करा रहे हैं हस्बैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू।